अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राजा प्रब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। ओम साई राम सर जी, ओम साई राम। जय श्री राम। अरे बाबा, ये गरीब पर अपनी दया बनाए रखना। जय हो, तुम्हारी हमेशा जय हो। अरे वाह, अरे बाबा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ओहो, सुट्टो है, डाडा सुत्तो तो है सर जी, वेरी मच। अब बोल। मैं कह रहा था बंदे का नाम राधे है, ये बनने की चांदनी चौक में ना छोटी सी दुकान है, जो हुए बेमकान राधे आए उनके काम, कागर में सागर मिला के कहूँ ना राधे स्टेट एजेंसी। राधे के पिताजी चपरासी थे जी, फिर माँ को पाला, बहन को पाला, 19 साल की उम्र में उसकी शादी करी, फिर अपनी शादी करी। राधे ने ना परचून की दुकान में लौंडे का काम किया। अब तो राधे का एक ही है सपना कि आपके जैसा बड़ा बिजनेस हो अपना। चुप कर, चिकड़ खाने देता है। पहले तुम बड़ी हमको एक बात बताओ, उस दिन शर्मा जी की लड़की के साथ तुम ही आया था ना? राधे आया नहीं था सर जी, राधे को लाया गया था जबरदस्ती कॉलर घसीट के। हाँ सर जी, वो इस मंदिर के हाथ ना एक अदरक का टुकड़ा लग गया, एक बड़ी एनआरआई पार्टी। अब राधे की औकात तो है ना कि इतनी बड़ी पार्टी एनआरआई को डील करे सर जी। वो ना एक चांदनी चौक में कोठी खरीदना चाहते हैं, बदले में गुड़गांव में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की डील को सेटल करना चाहते हैं बेच के। और मतलब की बात सर जी ये भी है कि चांदनी चौक की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपके पंजे के नीचे दबी हुई सर जी, समझ रहे ना आप हैं? अरे चढ़िया हो गया बाबा, तो हिटलर दीदी का क्या करेगा? हिटलर दीदी की बात ना करो। हाँ, राधे ने हमेशा उनके साथ ना सगा नहीं सगे से बढ़कर व्यवहार किया सर जी। उन्होंने तो ऊपर से राधे को चप्पल जूतों से मारा, एक बार तो डंडे से पिटाई कर दी सर जी। मैं कह रहा हूँ अगर आप और हम मिल जाए ना तो बदला चुका सकते हो उस हिटलर से। बड़ी बाबा, पार्टी इंग्लिश है ना? एनआरआई बड़ी बाबा हिटलर दीदी सच्चा साईं भोला साईं। अरे मैनेजर साहब, बड़ी बाबा मेरे लिए हिंदी टू इंग्लिश किताब का बंदोबस्त करो। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। वाह सुमेर चौधरी, क्या इंग्लिश बोली है यार, ऐसा लग रहा है लंदन खुद ब खुद चलकर हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट बन गया और अंबाला भी बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ज्यादा हीरो ना बन, तू सिखा दे फिर। क्या सिखा दे, क्या सिखा दूं, ये इतना बड़ा लेकर घूम रहे हो जिसे धड़ कहते हैं उसके ऊपर ये क्या है सर? हाँ, तो अब बोलो हाउ आर यू सर? हाउ आर यू सर? प्यार की तुकबंदी नहीं हो रही है चौधरी, आर आर हाउ आर यू सर? हाउ आर यू सर? कृपया चुप रहें, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट। मकान मालकिन जी किस पे भरोसा कर रही हैं, ये सब काम खराब करेगा। रिपीट आफ्टर मी, हाय How are you? Repeat after me. Hi. How are you? Hey, Papa. I'm not fine. Thank you. I not meet you. I'm fine. Thank you. Oh, Shashi. Oh, चलिए इधर आओ। Please to meet you. Yes. अरे बाजार में जाकर कोई ऐसी आवाज में सीडी लाओ जिससे मैं अंग्रेजी सीख सकूं, सुनना सकूं। Thank you. अरे पापा जल्दी जाओ। Yes. To meet you. I'm fine. तुम बोलो। You are lovely. लवली नहीं, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है चौधरी यार, इट्स लवली समझा, व नहीं है व व। यू लुक लवली, ये अपने लवली हलवाई के समोसे नहीं खाए तूने? ना भाया, तू ही खा समोसे। हाँ वेरी गुड, एक बार और चौधरी। यू लुक लवली। वेरी गुड वेरी गुड, अब बोलो हेलो बेबी। हेलो बेबी। ऐसे नहीं, प्यार से हेलो बेबी। हेलो बेबी।
उसमें क्या है? अब बोलो, यू लुक वेरी स्वीट। यू लुक वेरी स्वीट नहीं इंग्लिश सिखाएगा चौधरी। अब बोलो, आई एडोर गर्ल्स। आई एडोर गर्ल्स, वेरी गुड। And I love boys. थोड़ा कमी ना। हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय प्रभु। हेलो, हाँ राधे, कैसा रहा? पूछे क्या नहीं हुआ। हाँ, ज्ञान बच्चे सो लाखों पाए, लौट के राधे घर को आए, कह दे रहा हूँ। अच्छा, काम हुआ ना? ऐसा कोई नहीं है काम जिसको ना राधे जैसा का अंजाम जय माता दी। काम हो गया जी 100%, कह दे रहे हो। हाँ, वेरी गुड। राउंड वन कंप्लीट, राधे सक्सेसफुल। अब वक्त आ गया है। सुमेर जी, आपके कपड़े तो तैयार है ना? कपड़े नहीं मैडम, कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम नहीं, कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम। हाँ, इसने सिखाया अंग्रेजी मन ने? क्या खाक सिखाया आपने? ताली क्यों बजा रहा है तू? हैं? यहाँ डांस हो रहा है, मुजरा हो रहा है, क्या हो रहा है? सिक्योरिटी वाला बनाना, चल निकल, कपड़े पहन कर आ फटाफट। राधे हंस ले या बोल ले। भैया भाई साहब, मैं कह रहा हूँ ऐसे लग रहा हो कि जैसे नाजीरा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ चांदनी चौक में रिक्शे पे निकल गए ना इस बेस में, तो लड़कियां खिड़की से कूद कूद के जान ले देंगी। हो गया तुम लोगों का? लो जी लो, एक और एंट्री हो गई सीन में। कसम से क्या लग रहे हो कि जैसे लॉर्ड माउंटबेटन उस संग्रहालय से निकल के चले आए। ओ भाई, माउंटबेटन तो लग रहा हूँ मैं, लेकिन मन ने टाई बांधी ना है। ऋषि जरा इनकी टाई बांध दीजिए। क्या हुआ, देख क्या रहे? टाई बांधिए, देर हो रही है ना। जोरावर, बिहेव योरसेल्फ। वेरी गुड सुमेर सिंह जी। एक्सक्यूज मी, व्हाट? अक्षत कपूर। ओह, I'm sorry. Go, let's. Let's go. Rishi, हमें कैसे भी करके कामयाबी हासिल करनी, चल। गड़बड़ तो मैं ही करता हूँ, जब से दूर गया हूँ मुझसे भरोसा ही उड़ गया इनका तो। कुछ कहा आपने? हाँ? नहीं नहीं कुछ नहीं, देखा सब देखा मैंने। क्या? अरे चलिए ना, देर हो रही है, चलिए। सुमेर सिंह जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम जी। ऋषि, ऑल द बेस्ट। चल राधे। आओ जी आओ, आ गया कुकरेजा साहब का ऑफिस। राधे को तो सब जानते हैं, तो भाई आगे क्या दिखा रही है? hey, मैनेजर का तेरा, कम हियर। हेलो हेलो। जाके कुकरेजा साहब को बोल दियो कि राधे जी स्वयं आए हैं, खुद अंग्रेजी पार्टी लाए हैं, डबल डेकर इंग्लिश। हाँ सुन ले जा। हेलो वेलकम, कम 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 बड़ा कम कम कमीना। चौधरी के चा इंग्लिश बोलनी है, याद रख। चुप रह सर्वेंट।
सर। वेलकम वेलकम मिस्टर कपूर। माई सेल्फ मिस्टर कुकरेजा, रंजीत कुकरेजा। हेलो हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। वेलकम वेलकम। अरे पापा आप तो सब कुछ बोल गए, मेरे लिए तो कुछ छोड़ा नहीं। चलो सिट सिट, बोलो साईं महाराज की जय। बैठ के की स्टैंडिंग जी। सॉरी सॉरी सॉरी। अ मैन सिट डॉट सिट। क्यों रे चरिया, हु यू? सॉरी सर जी, मैं इनका बचपन का नौकर सर्वेंट सरदार जोरावर सिंह जी सर। शशि। यस सर। वड़ी बाबा इसको आउट हाउस में लेके जाओ। टिक टिक। चलो। नो नो मिस्टर प्रेसा, ही नो सर्वेंट, फ्रेंड फ्रेंड ओल्ड फ्रेंड, प्लीज स्टे। सर जी आप बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, अब मैं छोटा सा नौकर मैं क्या करूंगा आप लोगों के बीच में बैठकर। मैं बाहर रुकता हूँ सर्वेंट क्वार्टर में। ओके सर जी, चलता हूँ मैं। यस यस, गो गो। हे कपूर साहब आप बैठिए ना, एक बात पूछ सकता हूँ? नो नो जोरावर, यू स्टे हियर, सिट सिट सिट। गुड। हाँ तो मिस्टर कपूर, टेल मी वन बात, यू नॉट स्पीकिंग हिंदी थोड़ा थोड़ा? मारी तो जी मातृभाषा ही हिंदी है, इसमें से मिट्टी की खुशबू आती है जी। अरे वाह वाह, बड़ी डाडो सुठो डाडो सुठो। पर आप वापस क्यों आ गए? सर जी ये आपकी वाइफ है? चरिया, वो हमारा दादी जी है। अच्छा अच्छा अच्छा, पैरी पाना पैरी पाना। दादी जी जी, दादी जी जी जी। एक कपूर साहब, बाबा इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है। ठीक है बाबा, कल ही आता हूँ गुड़गांव में, आपकी प्रॉपर्टी देख। ठीक है जी। और उम्मीद करता हूँ वहां पर आपकी बाकी फैमिली के लोग भी होंगे वहां पर ना। बड़ी कोई प्रॉब्लम है ना? नहीं जी नहीं जी नहीं, कोई नहीं जी कोई नहीं, आओ आओ आओ। बाबा इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है। सर जी बड़ी अजीब बात है जी, ये तो शुरू से ही हमारे साथ लंदन में है। अच्छा? वो मम्मी गुरुद्वारे गए थे, वहां पे चप्पलें चोरी कर रहा था, उठा लाए, अनाथ था बेचारा। ओ वो क्या ना कि सर जी वो दादी जी की आखिरी इच्छा पूरी करने आए हैं इनकी, बस इसीलिए वापस आ गए हैं। सर जी ओम सैरम जयराम साईं जी की। वो मैं कह रहा था इनकी दादी जी ना गो एंड गॉन होना चाहती हैं, मतलब अंतिम सांस लेना चाहती हैं, वो भी दिल्ली में। तो उनकी अंतिम इच्छा पूरी आप ही कर सकते हो, ना मत करना। साईं बाबा की कसम मैं आपको हाँ कह दे रहा हूँ। लेकिन कपूर साहब पर एक बात समझ में नहीं आई, वड़ी मरने के लिए कोठे की क्या जरूरत है, और वो भी चांदनी चौक में? मुझे फैमिली बहुत बड़ी है ना। बड़ी फैमिली। वैसे कपूर साहब बड़ी आपके घर में कितने लोग हैं? पांच है। सिक्स। कोई जी छह। फाइव।
वो सर जी क्या है ना कि बड़े लोग हैं, मैं ठहरा नौकर आदमी, तो कभी जोड़ देते हैं कभी घटा देते हैं। अच्छा चरिया, वैसे कपूर साहब आपका ये नौकर कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा है। अच्छी हाँ जी, वो घर में जी सब ने इसको चढ़ा के रखा है, ऊपर इसको मैं ही ठीक करता हूँ जी, अभी चुप करके बैठ। वैसे मिस्टर कपूर, बड़ी आपके घर में कौन कौन है? सभी हैं जी। सभी मतलब जी? सारी हैं जी, सभी हैं। वो आप मेरा मतलब नहीं समझे बड़ी, मैं पूछता हूँ कि सारे कौन कौन है? सर जी वो पति पत्नी और वो मतलब बच्ची और भैया हैं, भाभी हैं और उनका बच्चा। बड़ी कपूर साहब, बाबा इसकी गिनती के हिसाब से तो 8 आदमी होते हैं और आप बोले 6, ये बोला 5। ठीक है बाबा, कल ही आता हूँ गुड़गांव में आपकी प्रॉपर्टी देखने। ठीक है जी, और उम्मीद करता हूँ वहां पर आपकी बाकी फैमिली के लोग भी होंगे वहां पर ना। बड़ी कोई प्रॉब्लम है ना? नहीं जी, नहीं जी, नहीं कोई नहीं जी, कोई नहीं, आओ आओ आओ। सर जी मैं कह रहा हूँ कि ओए ओए बड़ी, तुम अपने घर में पेशाब नहीं करके आता है? अम्मा क्या कर रहे हो, जुराफर जंजीर मत खींचो पानी निकल जाएगा। चलिए हो गया। हाँ तो बड़ी, हम किधर थे जी? बच्चों को कौन गिनता है, वो तो ऐसे ही हो जाते हैं फ्री फंड में। दादो सुट्टो है, दादो सुट्टो, बच्चे तो ऐसे ही हो जाते हैं। कपूर साहब बड़े डॉटी हैं आप। सर जी वही तो परेशानी है, इसी चक्कर में तो उनकी दादी की तबीयत खराब रहती है, उनका तो एक पांव कब्र में लटका हुआ है, तो कभी भी समझ रहे हो ना आप? बिल्कुल जी, इसीलिए हम चाहते हैं कि जी डील बहुत जल्दी हो जाए, तो दादी जी को भी सुख मिले और हमको भी। वैसे कपूर साहब, बड़ी आपकी प्रॉपर्टी है किधर? गुड़गांव में। गुड़गांव में? पक्का? ठीक है बाबा, कल ही आता हूँ गुड़गांव में आपकी प्रॉपर्टी देखने। ठीक है जी, और उम्मीद करता हूँ वहां पर आपकी दादी और आपकी बाकी फैमिली के लोग भी होंगे वहां पर इसी बार में प्रॉपर्टी के दर्शन भी हो जाएंगे और आपकी फैमिली के भी दर्शन हो जाएंगे, पूरे 8 के 8 ना। बड़ी कोई प्रॉब्लम है ना? नहीं जी, नहीं जी, नहीं कोई नहीं जी, कोई नहीं, आओ आओ आओ। बाहर गए हैं, न्यूयॉर्क में है, तीरथ पे गए हैं, कोई भी बहाना मार सकते थे आप। कह रहा था उसने जी, ये बता दे क्या जरूरत थी आपको ये बोलने की कि फैमिली साथ में है, अब हम कहां से लाएंगे फैमिली? देखो जी, राधे कह रही है, वैसे तो राधे ना बहुत बहादुर आदमी, एकदम ब्रेव, लेकिन ना आज राधे के दिमाग को चिंता जो है चीता बन के खाए जा रही है। कह दे रहे हो, पता है अगर कुकरेजा साहब को हमारी फैमिली ना मिली ना, तो हम कभी भी दोबारा अपनी फैमिली से नहीं मिल पाएंगे, बताया दे रहे हो। तो चुप करेगा राधे? क्या बता दी, और मुझे मेरा घर कभी वापस नहीं मिलेगा। मैंने आपसे कहा था ना ऋषि कि मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। फैमिली मेरी है या इसकी, आप इसे तो कुछ नहीं कह रही हैं। आप ना सिर्फ लड़ते रहिए बस, करो खराब मेरा दिमाग। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। क्या? आपकी फैमिली है ना, एक नंबर की नौटंकी बाज है मकान मालिक जी, विश्वास कीजिए। और वैसे भी जब इस जैसे को एनआरआई बना दिया है तो आपकी फैमिली कौन सी बड़ी चीज है? आपका दिमाग तेल लेने गया है क्या?
मेरी फैमिली शर्मा जी से मिली हुई, अगर ये बात शर्मा जी को पता लग गई ना तो कुकरेजा के कानों तक भी पहुंच जाएगी। ये आइडिया आपका, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। और हाँ ऋषि, अगर आज मेरे हाथ से मेरा घर गया ना तो उसकी वजह सिर्फ आप होंगे।